समझ आ गई। तो आपकी जो एज है, इस एज में जैसे 9th, 10th, 11th, 12th, हम इन चार सालों को स्टूडेंट लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारा एज का ये जो ईयर है 4 साल, ये हमारे एक तो टीन एज में फॉल करते हैं, दूसरा इस एज में हमारे इमोशंस बहुत आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, हर काम वो करने की जो कई बार हमारी एज के साथ रिलेट नहीं करते हैं और हमें करने नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा मन ऐसा चंचल है कि हमें मन करता है। जैसे इसी एज में आपको घूमने का भी मन करेगा, इसी एज में खाने पीने का मन करेगा, इसी एज में गप्पे मारने का मन करेगा, इसी एज में आपको मूवीज़ देखने का मन करेगा, टीवी देखने का मन करेगा, करेगा कि नहीं। और यही एज है अपने फ्यूचर को बनाने की। अब आपके पास तराजू के दो पड़ले में एक तरफ फ्यूचर है और एक तरफ इमोशंस हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने इन 4 सालों में इन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर दिया तो उसका फ्यूचर बन गया, समझ आ गई। यही एज है और इस एज में इमोशंस कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है कि अपनी किसको टारगेट को हमेशा देखना और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, ठीक है। हम कहते हैं मेरा ये ड्रीम है, अगर हम ये वर्ड यूज़ करते रहेंगे कि ये मेरा सपना है तो 90% लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। 10% लोग जो सपने को पूरा करते हैं वो अपनी डिक्शनरी से इस वर्ड को सपना ड्रीम इसको चेंज करके कन्वर्ट कर देते हैं और कहते हैं ये मेरे लाइफ का प्लान है, समझ आ गई। तो सपना सपना ही रह जाएगा, इस वर्ड को चेंज करके कहना है कि मेरी लाइफ का ये प्लान है, मैंने ये करना है, समझ आ गई, ठीक है। तो दो कहने का तरीका होना चाहिए कि मैंने ये करना है, ये नहीं कि मैं करूंगी। जब आप करूंगी कहोगे तो उसमें भी दो पाथ आ जाते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है। जब आप कहोगे कि मैंने ये करना है तो उस समय आपके पास एक ही थॉट आती है, हाउ टू अचीव दैट टारगेट, समझ आ गई। तो इसलिए जो वर्ड आप कहते हो उन वर्ड्स की पावर है, एवरी वर्ड हैज पावर, समझ आ गई। कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं कहनी, ऐसा ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य बोलने हैं जिससे आपको एनर्जी मिले। जब आप कहोगे कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है, पढ़ाई मुझे करनी पड़ रही है, तो आपकी एनर्जी 50% डिक्लाइन हो गई। लेकिन जब आप ऐसे कहोगे मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने लाइफ में ये बनना है, मेरा प्लान है, सपना नहीं है, सपना देख लिया उसके बाद उसको प्लान बना लिया कि मैंने ये अचीव करना है, तो आपकी एनर्जी 50 से 100 तक पहुंच जाएगी, समझ आ गई। अब आपकी इमोशंस जो मैंने बताए करने का, वो ऐसे काम जो करने से आपको लगता है कि हमें खुशी मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं आप करते हो, बड़ों को अच्छे नहीं लगते लेकिन आपको वो अच्छे लगते हैं। ये एज ऐसी, हर एक इस स्टेज से निकला होता है, हम भी निकले हैं, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को देखना है। मैंने बताया कि आपके पास तराजू के दो पड़ले हैं, एक तरफ इमोशन से, हाँ क्या देख रहे हो, दीक्षा और सिया मानसी है, क्या देख रहे हो उधर लेट कमर से, ठीक है। अब आपने अपनी कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज करना है। आपको एक दिन राकेश सर ने मेडिटेशन बताई थी कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे मेन जो जिस तरीके से आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो वो है आपकी मेडिटेशन करना। मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी धर्म से रिलेट नहीं है।